होता है ना, कई बार गांव में या कई बार नगरों में आदमी अपनी पहचान खो देता है और उसका हिस्सा बन के रह जाता है। हम पहचान ही नहीं पाते अपने आप को, हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम क्या मटेरियल है। अरे आप सब विधाता के सबसे खूबसूरत बनाए गए मटेरियल हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप में बहुत कुछ विशिष्ट बनाया है ईश्वर ने, इसीलिए तो पहचानना जरूरी है। होता है ना कई बार कि पूरा जीवन निकल जाता है और बाद में पता लगता है कि अरे उस वक्त मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेता, मुझ में तो ये प्रतिभा भी थी। तो उसको शुरू से पहचानो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने ऐसे गांव में जन्म लिया जहाँ पे न नल थे न बिजली थी, मिट्टी में खेलते थे और वहीं स्कूल में नीम के नीचे पढ़ाई करते थे। वहाँ स्वयं की पहचान की तो बात ही नहीं थी, बस ये था कि आनंद की बात है और बचपन गुजर रहा है, लेकिन पढ़ाई भी हमारी जो स्थानीय बोली में हुआ करती थी। अब वहाँ स्थानीय बोली में तो अंधों में काना राजा हम हुआ ही करते थे, और वहीं नदी में नहाना, कुएं में कूदना, सारी कुछ चीज़ थी। अब अचानक एक प्रसंग बताता हूँ कि छठी क्लास में अंग्रेज़ी चालू हो गई, हिंदी तो आती नहीं थी और चालू हो गई अंग्रेज़ी। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि पहचानना कैसे है स्वयं को। अब अंग्रेज़ी जब चालू हो गई तो अंग्रेज़ी चूंकि मेरा क्या कहूँ मैं, ये सत्य कहने में मुझे कोई वो नहीं है कोई संकोच कि अंग्रेज़ी मेरा प्रिय विषय नहीं होता था, तो मैं सबसे पीछे जा कर के बैठ जाता था। अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेज़ी चल रही हो तो किसका ध्यान जाएगा। तो जो मार साहब कहते थे हम टीचर को उन दिनों, तो उन्होंने पढ़ाना चालू किया कि एक फ्यूचर टेंस जो भविष्यकाल पढ़ाना चालू किया कि जो है शेल जाएगा आई और वी के साथ, और बाकी जो है विल जाएगा बाकी के साथ में, रमा विल गो, श्याम विल गो, ही विल गो, शी विल गो। हमने कहा भाई क्या मतलब है, कोई किसी के साथ जाए, हम हमारे बैठ करके और ग्लास मांजते रहे, क्योंकि हम जब जिम में जाते थे तो एक पीतल की ग्लास हमारी खुद की अपनी हुआ करती थी। अब दूसरे दिन चूंकि हमारा ध्यान नहीं था, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को जानने के लिए कंसंट्रेशन कितना ज़रूरी है। मुझे खड़ा किया, शैल किसके साथ जाएगा। मैंने सोचा ये शैल क्या चीज़ है, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं था। दोस्तों आपको ये बताने के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कंसंट्रेशन नहीं रखोगे तो जीवन में आप कहीं भी गिर सकते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे रह सकते हो। तो मैंने को फिर पूछा कि इसका ये शैल किसके साथ जाएगा। मैंने संपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल किया, मैंने कहा साहब जो प्रेम से ले जाएगा उसके साथ शैल चला जाएगा। लेकिन हे ईश्वर, मेरी इतनी पिटाई हुई, उन दिनों पिटाई हुआ करती थी, तब मैं सोचने लगा कि ये शैल तो भगवान भी प्रेम से अगर किसी को ले जाते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन शैल भी नहीं गया। वहाँ मुझे मैंने सौगंध खाई कि नहीं, मुझे कंसंट्रेशन रखना है। तो अब नो दाई सेल्फ के अंदर पहला पॉइंट हमारा आ गया कि अपना कंसंट्रेशन रखना है। यहाँ के बाद महानगर में शिफ्ट हो गए। महानगर में जब शिफ्ट हुए तो वहाँ पे चूंकि न तो अंग्रेज़ी आती न हिंदी आती, अब लगा अब क्या किया जाए, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। तो कोशिश करी कि भाषा के ऊपर अधिकार रखो। चूंकि जानवरों और मनुष्यों में फर्क मेरे को पता लग गया था, तो मैंने सोचा कि संप्रेषण की अर्थात आपको एक्सप्रेस करने की सबसे बड़ी चीज मनुष्यों के अंदर है भाषा, और भाषा से ही आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो भाषा के ऊपर कोशिश की कि हिंदी को तो बना लिया प्रेमिका और अंग्रेजी की कर ली सवारी, और ये कोशिश करते 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 अब आगे समय जाने लगा। अब 9वीं 10वीं क्लास आ गई, वहाँ पे सोचा कि अब ठीक ठाक हो गया, डिवीज़न भी अच्छा आने लग गया और अधिकार होने गया। अब वहाँ आती है संगति की। अब कई बार क्या होता है कि हमारी संगति अगर अच्छी होती है तो ठीक रहता, कहते हैं ना। अब दोनों चीज़ें हैं, अब दिस इज़ योर चॉइस एज टू वेयर यू वॉन्ट टू गो, वेयर यू वॉन्ट टू प्लेस योर सेल्फ। एक सेव का टोकरी, हम बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, सेव की टोकरी के अंदर एक गंदा सेव होता है, तो वो अगर मान लीजिए टोकरी में रह जाता है तो सुबह तक सारे सेव सड़ जाते हैं, क्योंकि वो संगति एक खराब सेव की थी। लेकिन इसके साथ ही यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो हम फलों की टोकरी नहीं है, हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें विशिष्ट बुद्धि दी है, और यदि हम चाहें तो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। रहीम, महाकवि रहीम ने कहा है कि रहीम नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग,
जो जिसके अंदर मटेरियल होता है उसका विसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, खराब संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कि चंदन विक्ष व्यापे नहीं लिपटे रहते भुजंग। चंदन के पेड़ पे तो सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उसके अंदर जहर नहीं चढ़ता बल्कि तो अपनी खुशबू ही छोड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूं कि आप वह चंदन का वृक्ष बनो जिसपे उन सांपों का कोई असर न हो, और इस प्रकार से आप अपने आप को जानो। क्यों? क्योंकि कहा गया है उर्दू में कि हर जर्रा अपनी जगह आफ्ताब होता है। अरे एक जो अंगारा है ना उसमें सूर्य के सारे गुण मौजूद होते हैं। अंगारा अपनी जगह सूर्य है। आप अपने आप को छोटा मत मानो, इन्फीरियर मत मानो। कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो कोई होता ही नहीं है। इसीलिए अपने आप को जान करके अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, चाहे आप वैज्ञानिक बनना चाहें, नासा में जाना चाहें, प्रशासकीय अधिकारी बनना चाहें, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, प्रोफेसर बनना चाहें, या टीचर का नोबल प्रोफेशन करना चाहें, या बिजनेस करना चाहें, उसमें आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है।